हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 का एक मैथ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। पूछ रहा है ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताइए जिससे 70 को डिवाइड करते हैं 5 रिमाइंडर बचता है, और उसी नंबर से अगर 125 को डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर बचता है। तो अगर आपको इधर बता देते थोड़ा, अगर किसी नंबर जैसे 70 को किसी नंबर से डिवाइड किए, जैसे चलिए एग्जांपल लेने के लिए ले लेते हैं 13, किसी नंबर ऐसे इसको 5 से डिवाइड करते हैं दो बार में 10, 3 रिमाइंडर बचता है। अगर इसमें हम 3 घटा दें 13 में तो रिमाइंडर मेरा नहीं बचेगा, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो दो बार में कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। उसी तरह अगर 70 में अगर 5 घटा दें, 70 में अगर 5 माइनस कर दें 65, अब उस नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, और बड़ा उसी नंबर से इसमें डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बचता है, तो इसमें भी 8 माइनस कर देंगे तो बचेगा 170। अब हमको निकालना है लार्जेस्ट नंबर जो इस जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमको HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 65 117, वन बार में लगेगा 65, 7 से 5 जाएगा 2, 5 52, और ये 65, वन बार में यहाँ भी जाएगा 52, 3 1 और यहाँ 52 उतरेगा फिर, और ये 4 बार में लग जाएगा 52, तो मेरा HCF आ जाएगा 13, यही हो जाएगा आंसर। अब इस नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, और इसी नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे कट जाएगा। अब इसमें अगर इससे इसमें डिवाइड करिए तो 5 रिमाइंडर आएगा, और इसमें इससे डिवाइड कीजिए तो 8 रिमाइंडर आएगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।